ऐसे आपने 5-7 बार करना है। अभी देखो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई होगी, अभी नॉर्मल हो गया ना, अभी सांस नहीं फूल रहा है ना, ऐसे करना है। ऐसे आपने 2-4 बार 5-7 बार 8-10 बार। हेलो भैया, थक गए? अरे यार तो थक गए। तो अभी आप रेस्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ रेस्ट करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों में चलते चलते रेस्ट कैसे चलना है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और अभी मैं पहुँचा हूँ चोपता चंद्रशिला ट्रैक पे। जब भी आप ऐसे ट्रैकों पे आते हैं तो चलते चलते आराम कैसे करना है, कैसे आप एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका शरीर थकेगा कम, आप चलेंगे ज़्यादा, आपकी सांसें नहीं फूलेंगी और आप आराम से अपने गंतव्य तक पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले मेरे को एक स्टिक दे दो आप कोई भी, ठीक है? ये स्टिक है। तो सबसे पहले जब आप चलते हैं ना, तो आपने क्या करना, देखो जब आप लेफ्ट वाला पांव आगे रखते हैं, ठीक है, तो आपने ये स्टिक रखना है उसके साथ में, लेफ्ट वाला पांव आगे, लेकिन ब्रीद इन करना है उसके साथ में। अब देखो लेफ्ट वाला आगे, ब्रीद इन। अब जब राइट वाला आगे रखोगे तो ब्रीद आउट, समझ गए? तो ऐसे करके आप, अब दोबारा दिखाता हूं मैं, देखो यहां पे, देखो ऐसे चलेंगे। अभी रुको, ये तो चलने का हो गया, इसमें आप कभी थकेंगे नहीं। और मान लीजिए आप बहुत देर तक चल गए, आप चलते चलते थोड़ा थक गए, क्योंकि जब आप हाइट में आएंगे तो थोड़ा थक भी जाएंगे। तो आपने रेस्ट ऐसे नहीं करना है जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे करोगे आपकी थकान दूर नहीं होगी। आपने क्या करना है, ये इसी का आपने आगे रखनी है ऐसी ऐसी करके, और झुक जाना है इसमें, और अपनी ठुड्डी इसमें रखना है, चिन को ऐसे ऐसे रख देना, पूरा वजन अपना डंडी में डाल देना है। और डंडी हमेशा रखना अपने पास जब भी आप ट्रैक पे आते हैं, पूरा वजन डालो डंडी में, डाल दिया, मुंह बंद करो सारे और नाक से लंबी गहरी सांस लो, कैसे, ऐसे आपने 5-7 बार करना है। अभी देखो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई होगी, अभी नॉर्मल हो गया ना, अभी सांस नहीं फूल रहा है ना, ऐसे करना है। ऐसे आपने 2-4 बार 5-7 बार 8-10 बार करना है, फिर आपने वही टेक्निक, निंजा टेक्निक ट्रैकिंग की, ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्टेप वन स्टेप टू। अभी चलेंगे ऐसे, दिखाएंगे जरा सबको, और आप लोग भी यही करना, आप लोग जब भी ट्रैक पे आते हैं आप लोग भी यही टेक्निक करना, कभी थकोगे नहीं, मेरे पर वचन ले लेना, थकोगे तो मेरे पास आना। ये देखिए, ऐसे में आप कैलोरी कम बर्न करते हो चलते ज़्यादा हो। जो लोग एवरेस्ट वेवरेस्ट बड़े बड़े माउंटेन में जाते हैं ना, वो सब लोग यही करते हैं। तो गाइस आप भी यही करिएगा, ऐसी खूबसूरत वीडियो के लिए शैलेंद्र हिलमैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पे देखते रहिएगा, और ज़रूर यार अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। सब्सक्राइबर फॉलो के लिए मैं कभी नहीं बोलता, अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं करिएगा तो ना, जरूर आइएगा।